मैं पूनम रिया निटिंग क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए एक टॉप डाउन स्वेटर का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये हम ऊपर से बनाना शुरू करते हैं और इसमें ये ऊपर बॉर्डर है, नीचे इसके स्टिचेस इंक्रीज करते हैं। तो ये एक डिजाइनिंग डाली है जिससे स्टिचेस इंक्रीज होते हैं और डिजाइन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये डिजाइन बनाने का तरीका बताऊंगी। तो इसमें एक फंदे पे हमने ये डिजाइन डालना है और हाफ स्टिचेस यहां रखने हैं और हाफ स्टिचेस यहां रखने हैं। तो अब हमारे ये 9 फंदे हैं, तो 9 फंदों में हम इसका मिडिल वाला फंदा लेंगे। मिडिल वाला फंदा मींस पांचवा फंदा लेंगे, 4 फंदे इस साइड और 4 फंदे इस साइड। तो फिर हम उसके आगे इसका कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं 4 फंदे इसके सीधे बना लेती हूं। अब ये पांचवा फंदा देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही फंदा है जहां नीचे हमने स्टिचेस इंक्रीज किया था। ये देखिए यहां ये ऐसे इस फंदे पे हमने बढ़ाया था। तो अब इस फंदे के आसपास हमें जाली डालनी है, तो हम फंदा आगे करेंगे और एक फंदा सीधा बनेंगे और एक फंदा फिर आगे करेंगे और बाकी सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो एक फंदे के आसपास हमने जाली डाल दी है और बाकी फंदे हमने सीधे सीधे बनाए हैं। और पूरी सिलाई को हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए डिजाइन में ये 1 2 3 4 बार हमने इसके स्टिचेस बढ़ाने हैं। तो मींस ये 8 रोज का डिजाइन है। रॉन्ग साइड को पूरी को उल्टा ही बनाना है। तो सेकंड रो, फोर्थ रो, सिक्स्थ रो और 8th रो पूरी उल्टी उल्टी बनानी है। अब ये यहाँ पे इस फंदे के आसपास हमने जाली डाली थी, तो अब हमें क्योंकि जाली डालनी है तो हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए ये इतने फंदे हमने सीधे बना लिए। तो पहले हमने एक फंदे के आसपास जाली डाली थी, अब ये हमारे 3 फंदे हो गए। तो अब हम इस 3 फंदों के आसपास जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे और सारे फंदों को हम सीधा सीधा बनाएंगे। तो ये हमारी 3rd रो है। फोर्थ रो उल्टी बनाने के बाद अब हम फिर इसकी 5th रो पे आ गए। अब पहले एक फंदे के आसपास डाली थी जाली, फिर 3 के, अब हमारे ये 5 फंदे हो गए। अब हम इन 5 फंदों के आसपास जाली डालेंगे। तो फंदा आगे करके सीधा फंदा बुनेंगे, 5 फंदे बुन लेंगे। तो 5 फंदों के आसपास अब एक जाली यहां डालेंगे, तो फंदा आगे करके बाकी सारी रो को सीधा बनाएंगे। तो ये हमारी 5th रो ऐसे कंप्लीट होगी। 6th रो उल्टी बुनने के बाद अब हम इसकी 7th रो पे आ गए। तो अब हम इन 7 फंदों के आसपास जाली डालेंगे, तो फंदा आगे करके 7 फंदे बना लेंगे।
फिर ये जाली डालेंगे आगे करके, बाकी सारे स्टिचेस को सीधा बुन लेंगे। तो पहले हमने एक फंदे के आसपास जाली डाली, फिर तीन के, फिर पांच के, फिर सात के, तो अब हमारे पास ये नौ फंदे हो गए। एक थ्रो उल्टी बुनने के बाद हमारा ये डिजाइन कुछ इस तरह से बैठता है। अब देखिए ये हमारे बीच में फिर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ नाइन स्टिचेस हो गए। तो फिर नेक्स्ट रो में फिर हमें अब जो आठ सलाइयों का डिजाइन डालना होगा, फिर इस फंदे पांचवें फंदे के आसपास हम जाली डालेंगे, ये देखिए सेम फंदे के, और इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इससे स्टिचेस भी इंक्रीज हो रहे हैं और डिजाइन भी पड़ रहा है। और इसको देखा जाए तो ये ऊपर से जब बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।